दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सारा देश राममय हो गया है। वहीं राजधानी शिमला में आज के दिन की शुरुआत नगर संकीर्तन से हुई और श्री राम जी की पालकी को लेकर पूरा शिमला राममय हो गया। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि यह माहौल मात्र शिमला में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद श्री राम लला जी श्री राम मंदिर में विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि आज देश का प्रत्येक नागरिक बेहद खुश है। आज शिमला में आज के दिन की शुरुआत जो है वो आज नगर संकीर्तन जो है श्री राम जी की पालकी को लेकर के पूरा शिमला आज राममय है। कालीबाड़ी से प्रारंभ होकर के और श्री राम मंदिर लोअर बाजार तक एक यात्रा का आयोजन और पूरे नगर के लोग उसमें शामिल हैं। ये तस्वीर सिर्फ शिमला की नहीं है, पूरे देश की है। पूरे देश का वातावरण जो है वो राममय हो गया है। 500 वर्षों के संघर्ष की परिणति राम मंदिर निर्माण और 22 तारीख को श्री रामलला जी महाराज, श्री राम जी महाराज श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे, विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस अवसर के ऊपर वहां उपस्थित रहेंगे। उनके शुभ करकमलों के द्वारा ये कार्य संपन्न हो रहा है और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति का नतीजा है कि श्री राम मंदिर भी बना और श्री रामलला जी वहां पर विराजमान भी हो रहे हैं। वर्षों वर्षों की हमारे देश के समाज की लोगों की जो एक अपेक्षा थी वो पूर्ण हो रही है। 21 तारीख तक सभी मंदिरों की, देवालयों की, मठों की, धार्मिक स्थानों की सफाई अभियान जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं ने सब समाज के लोगों को साथ लेकर के, सब जाति वर्ग के लोगों को साथ लेकर के, और ये अभियान जो है वो 21 तक चला हुआ है। 22 तारीख को मुख्य कार्यक्रम होगा और 25 जनवरी से लेकर के 26 मार्च तक राम भक्तों को अयोध्या ले जाने की बहुत सुंदर श्रेष्ठ व्यवस्था पार्टी ने की है। अगर मैं अपने पार्लियामेंट की बात करूं और इस पार्लियामेंट में एक और जिला जुड़ जाता है, किन्नौर जिला, हमारे चार जिले जो हैं कालका से आस्था ट्रेन्स के माध्यम से 25 जनवरी से लेकर के 26 मार्च तक भक्तों को ले जाने की व्यवस्था अयोध्या की होगी। 1500 रुपया शुल्क है, आने जाने का, खाने का सब शुल्क इसी में शामिल है और वहाँ श्री राम जी के दर्शन की बहुत सुंदर व्यवस्था जो है वहाँ जो वॉलंटियर्स लगे हैं उनके द्वारा की गई है। अयोध्या भ्रमण और वहाँ के जो प्रमुख तीर्थ स्थान हैं उनको भी दर्शन की व्यवस्था जो है वो पार्टी ने करवाने की व्यवस्था की है। जिस ट्रेन से राम भक्त जाएंगे उसी ट्रेन से वापिस आएंगे और मैं देख रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त उत्साह पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हर व्यक्ति जो है इस पुण्य का भागी बनना चाहता है, इस सौभाग्य को अर्जित करना चाहता है, अपने जन्म को सफल करना चाहता है अयोध्या जी के दर्शन करके, वहाँ की मिट्टी को अपने माथे से लगा करके और श्री राम जी के दर्शन करके सब कृतकृत होना चाहते हैं। मैं आपके सबके समक्ष रखना चाहता था और आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करता हूँ प्रदेश के सब लोगों से, इस पार्लियामेंट के सब लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम अयोध्या पहुँच करके इस पुण्य के भागी हम लोग बने। दूसरा विषय, स्वास्थ्य विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है प्रदेश का और हम सब जानते हैं कि इससे एक महत्वपूर्ण विभाग कोई दूसरा हो नहीं सकता कि सीधे सीधे व्यक्ति के जीवन से संबंधित ये विभाग है। लेकिन मैं वर्तमान सरकार के ऊपर ये आरोप लगाना चाहता हूँ कि व्यवस्थाएं इस समय जो हैं वो ठीक नहीं है। इस सरकार ने ये बात की थी कि इमरजेंसी विभाग को, अगर हम IGMC की बात करें, जो प्रमुख मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे प्रदेश के, वहाँ की अगर हम बात करें तो कहा था कि इमरजेंसी को हम चुस्त दुरुस्त करेंगे, एक बेड के ऊपर एक डॉक्टर, चार नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था जो है वो हमारी ओर से होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि इतने दिन बीत गए, एक वर्ष से ऊपर सरकार का गठन हुए हो गया, लेकिन सरकार की ये बात जो है उन्होंने पूरी नहीं की है। आप इमरजेंसी में जाकर के देखिए कितना बुरा हाल जो है आज भी वहाँ पर है। और अगर हम बात करें एसेंशियल ड्रग लिस्ट, जिसमें सामान्य सी एक दवाई जिसके बारे में, जिसका नाम सभी जानते हैं, पैरासीटामोल और नॉर्मल सेलाइन,
जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता जो है अस्पताल में एडमिशन के दौरान जब कोई पेशेंट यहाँ एडमिट होता है तो उसकी आवश्यकता रहती है। तो ये सामान्य सी दो दवाइयाँ भी जो हैं वो लोगों को नहीं मिल रही हैं, बाहर से खरीदनी पड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तीसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है और जो हमारा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ जो टेस्ट होते हैं और छोटे मोटे जो रिएजेंट्स वहाँ पर टेस्ट के लिए जो है जो होने चाहिए, जिसके माध्यम से टेस्ट संपन्न होते हैं, और जो सामान्य से इक्विपमेंट जो उस डिपार्टमेंट में उन टेस्ट को करने के लिए हमको चाहिए होते हैं, तो ये रिएजेंट्स और ये इक्विपमेंट्स जो हैं वो उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे सामान्य और छोटे छोटे छोटी छोटी चीज़ें भी जो हैं आप उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं अस्पतालों में, जिसके कारण से टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को मुफ्त टेस्ट की सुविधा जो है वो नहीं मिल रही, बाहर से लोगों को टेस्ट करवाना पड़ रहा है। करसना लेबोरेटरीज जिसको एक काम दिया गया था हमारी सरकार के समय में 2022 में फरवरी में एक करार हुआ था टेंडर के माध्यम से, और मार्केट रेट से तकरीबन 30-35% कम रेट के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस जो हैं इस लैब के माध्यम से करवाने की व्यवस्था हमारी पूर्व सरकार ने की थी, और 54 करोड़ रुपया जो है उस संस्थान का जो है वो सरकार ने देना है। अभी मुझे लगता है कुछ जुगाड़ किया है, कैसे किया है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन भविष्य में ये भी संकट जो है वो खड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।